हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहित। तो जैसा कि यार आप सभी को पता ही है, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है और आप समझ ही गए होंगे मेरा ब्लॉग और इसका थंबनेल देख के कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं हूँ, पहुँच चुका हूँ अभी मुंबई, सपनों की नगरी में। और अभी यहाँ पर हम ब्लॉग शूट करेंगे और अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा घूमेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे और आपको भी एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर हम कौन कौन से प्लेस पर ईज़िली विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम जा रहे हैं पगोडा टेम्पल, जो कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध का है और यहाँ पे मेडिटेशन होती है। तो चलो आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बोरीवली से जा रहा हूँ पैगोडा टेंपल के लिए। तो वहाँ से अप्रोक्स 3 किलोमीटर है और यहाँ गेट से एंटर करते टिकट काउंटर है, वहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन है। उसमें बोट का फेरी वाली टिकट रहती है, उसमें बोट का पर पर्सन का आने का भी और जाने का भी दोनों साइड का टिकट रहता है। और थोड़ा आगे चल कर ही आपको ये सी साइड मिलेगी और यहाँ पर ऐसे रास्ता रहेगा और आगे बोट लगी होंगी, यहीं से हमको बोट मिलेगी। और बोट में अप्रोक्स आपका 15 मिनट का अप्रोक्स रास्ता है, 10-15 मिनट का। बट यहाँ पे दो टाइप की बोट रहती है, एक तो ये जिसमें गाड़ियाँ वगैरह जा रही है, ये तो यहाँ से सीधे स्ट्रेट सामने तक जाती है। इसमें तो 2-5 मिनट का हार्डली रास्ता है, बट यहाँ से टेंपल काफ़ी दूर पड़ता है। जो दूसरी बोट आती है जिसमें ओनली सवारियाँ ही जाती हैं, हमको उस बोट में जाना है, वहाँ से थोड़ा दूर है। तो आप देख सकते हो यार, बोट से मतलब क्या ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। तो अभी हम निकल चुके हैं अपनी बोट में बैठ के टेंपल के लिए। अब हम 10-15 मिनट में टेंपल के वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से, यहाँ से आपको टेंपल भी दिखाई दे रहा है। और बोट से उतरते ही कुछ ऐसा रास्ता है, एकदम क्लोज सा है यार, यानी थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी छोटा तंग रास्ता है यहाँ पे। बट अच्छा है व्यू, यहाँ से आप टेंपल के अमेजिंग व्यू भी इंजॉय कर सकते हो। और वहाँ पर हमारी बोट लगी थी और ये आ गया गेट टेंपल के लिए। बस यहाँ से एंटर करते ही हमने लेफ्ट साइड लेना है और टेंपल के लिए हम चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको टेंपल के अमेजिंग व्यू। और यार, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे खाने पीने के भी स्टॉल वगैरह होते हैं, जहाँ पे आपको इजीली खाना वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी हैं और मंदिर के अंदर भी जाके कैंटीन वगैरह भी है और खाने के वहाँ भी काफ़ी कुछ आपको रहेगा। से हम अभी मंदिर के अंदर एंटर करेंगे और ये अंदर आ गया हॉल। और यहाँ पे विजिटर के लिए साइड में जगह बनाई हुई है जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा एरिया। यहाँ से आप देख सकते हो अंदर, यानी कि यार आप खुद ही फील कर सकते हो मतलब क्या ही इस टाइम फीलिंग यहाँ पे आ रही है। एक लेयर आ रही है, एक पॉजिटिव सी, क्या बुद्धा का यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है ये। और बाहर इतनी गर्मी है बट अंदर इतना ही शांति और सुकून मिल रहा था। और ये बाहर को धर्म चक्र परिवर्तन बना हुआ है जो ऑलवेज ऐसे ही घूमता रहता है। और यहाँ से भी साथ में यहाँ पे आकाश देवता और देवी बने हुए हैं इस साइड को। और जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये गार्डन सा आ गया बच्चों के लिए। और इस गार्डन के साथ ही थोड़ा हम आगे को जाएंगे, ये मंदिर की बैक साइड है। तो यहाँ पे ये विपासना मेडिटेशन सेंटर है इसके मंदिर के बैक साइड में, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे। और ये मंदिर के बाहर बाहर का व्यू है। और यहाँ पे ये आ गया आपका विपासना ये वाला मेडिटेशन सेंटर। तो यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह होती है इस साइड को। और इसके आगे को ही फिर ऐसे मंदिर के साइड का व्यू आ गया। और इसके हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे फिर कैंटीन वगैरह और खाने पीने के स्टॉल वगैरह आ गए। और आप इजीली यहाँ पे 2-3-4 घंटे इजीली यहाँ पे अपने स्पेंड कर सकते हो।
को निकलते हैं तो एग्ज़िट के टाइम ये आपको गैलरी दिखेगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा मोटा आप कुछ भी ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन है बुद्धा की और इमेजेस वगैरह और बुक्स वगैरह हैं और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। और कुछ आप यहाँ से परचेज करना चाहते हो तो ईज़िली परचेज कर सकते हो। कैप वगैरह भी है, क्लोथ भी हैं। और अभी हम वापस जा रहे हैं। और आपको कैसा मेरा ब्लॉग लगा गाइज़, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करें। जल्दी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।